हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा सिंह। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है दिल्ली पुलिस MTS सिविलियन रिक्रूटमेंट की तरफ से। सो फ्रेंड्स, SSC के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये आपको ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रहेगा, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाले, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। सो अगर आप इस रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको टोटल 888 सीट्स के लिए वैकेंसी आने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे कि किस पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है। तो फ्रेंड्स, आपको कुक की पोस्ट के लिए, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मोची, धोबी, टेलर, दफ्तरी माली, बार्बर और कारपेंटर की पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी रहने वाली है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें फ्रेंड्स, तो आपका ये फॉर्म जो है वो आपको 10 अक्टूबर से अप्लाई होना स्टार्ट होगा और इसके लिए लास्ट डेट आपको 31 अक्टूबर रहने वाला है। तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वैकेंसी तो सितंबर में आने वाला है, तो मैं अभी से आपको क्यों बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बस आपको एज अ नोटिफाई आपको कर रही हूँ कि अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, ताकि जब जिस टाइम फॉर्म आए तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी हो और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। अभी से फ्रेंड्स बहुत टाइम मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन के लिए, तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। फॉर्म की फ़ी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो जनरल OBC और EWS वालों को यहाँ पे 100 रुपीज़ लगने वाला है। वही SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल को यहाँ कोई चार्ज नहीं लगेगा। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपका 10th पास होना रिक्वायर्ड है, मतलब कि आपने जस्ट 10th पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका परसेंटेज कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी बच्चे जो 10th पास आउट है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का एज लिमिट आपका मिनिमम 18 ईयर्स रहेगा और आपका मैक्सिमम 27 ईयर्स रहेगा। OBC के कैंडिडेट्स का आपको मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। SC ST वालों का मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स। मीन्स कि यहाँ पे OBC के कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और SC ST वालों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अब बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट टू रिमाइंडर। मीन्स कि आपका इस पेपर का एग्ज़ाम, आपका इस रिक्रूटमेंट का कब होगा। तो इसके लिए भी डेट जारी कर दिया गया है फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम जो है वो आपको दिसंबर 2023 में कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो इसलिए आपको अभी से ही एकदम अच्छी खासी तैयारी कर लेनी है कि दिसंबर में पेपर है तो आप एक ही बार में एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ, ऐसी तैयारी रखो अपनी। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आपका सीट जो रहेगा वो 407 रहेगा। OBC वालों के लिए फ्रेंड्स 274 रहेगा। EWS वालों के लिए 88 सीट्स रहने वाले हैं। SC वालों के लिए 58 और ST कैटेगरी के लिए आपका 61, मतलब कि ओवरऑल आपका 888 सीट्स इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका मेजर 3 स्टेज पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंडेबल होता है फ्रेंड्स। फर्स्ट आपका ऑनलाइन CBT टेस्ट लिया जाता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है। सेकेंड आपका ट्रेड टेस्ट होता है और थर्ड आपका मेडिकल लिया जाता है। देन आपका एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब जाके आप इस जॉब की ज्वाइनिंग लेटर को गेन कर पाते हो। फ्रेंड्स, अगर हम लोग CBT के एग्ज़ाम पैटर्न को देखें तो आपका एग्ज़ाम जो है वो आपको टोटल 90 मिनट्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं आपको 100 मार्क के, मीन्स कि पर क्वेश्चन 1 मार्क आपको मिलने वाला है। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो आपका सब्जेक्ट वाइज कितना कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है।
फ्रेंड्स, इसमें आपको तीन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी और आपका जीके जीएस यानी कि जीके प्लस करेंट अफेयर्स। सो आपका रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ्स के आपको 25 क्वेश्चन रहते हैं, जीके प्लस सीए की आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलती है। मीन्स कि टोटल आपका 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का और 90 मिनट्स का पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहीं एग्ज़ाम देने आपको दिल्ली तो नहीं जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि इसका एग्ज़ाम देने आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन रिक्रूटमेंट आपको जो है एसएससी की तरफ से कंडक्ट कराया जा रहा है। और एसएससी आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम अपने चॉइस के 3 सिटीज़ को आपको फिल करने का आपको मौका देती है। तो आप अपने नियर बाय सिटी को यहाँ पर फिल करके और आपका जो सेंटर रहेगा वो नियर बाय सिटी में ही आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग ट्रेड टेस्ट के ऊपर डिस्कस कर ले फ्रेंड्स। ये आपका ट्रेड टेस्ट जो होने वाला है वो आपका 20 मार्क्स का होने वाला है और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। और फ्रेंड्स, आपको ट्रेड टेस्ट देने के लिए दिल्ली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड टेस्ट आपका दिल्ली में ही होने वाला है। इस जॉब की आपको इन हैंड सैलरी की बात करूं फ्रेंड्स, तो आपका जो है इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 28,000 प्लस देखने को मिलेगा और अच्छा खासा इंक्रीमेंट होके फ्रेंड्स आपका 60,000 के अप्रॉक्स ये सैलरी बाद में हो जाता है। आपको इसमें प्रमोशंस भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जॉब की लोकेशन क्या रहने वाली, तो जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया कि दिल्ली पुलिस एमटीएस की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है, तो आपका जो है जॉब लोकेशन दिल्ली में ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये सारे आपको बेसिक डिटेल्स है दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। आई होप कि मैंने आपको सारे डिटेल प्रोवाइड कर दिए होंगे। सो अगर आपको अगर और भी कुछ डिटेल में जानना हो या फिर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट करना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि सारी मेरी न्यू वीडियो, न्यू जॉब अपडेट सबसे पहले आप सभी तक जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन जॉब अपडेट्स की वीडियो को शेयर करते रहना ताकि उनको भी टाइम टाइम पे पता चलते रहे। सो मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।